हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शांति कुल ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पड़ोस में मतलब हमारी बेटी लगती है, तो उसने गुरुजी का पाठ करवाया है, तो हमें सबको बुलाया है उसने, तो हम उसके यहाँ जा रहे हैं। तो आपको हम वहाँ का सारा दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों भी उनको आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं सभी को गुरुजी का आशीर्वाद मिले। चलिए फिर चलते हैं। देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन की है इन्होंने, सारी सीढ़ियां वगैरह सब सजाई हुई है। नमस्ते बेटे, देखिए हमारे घर से ही बगल में है। देखिए दोस्तों, हमारे पड़ोस में बहन जी रहती हैं, हमारी मेरी फ्रेंड लगती हैं वो, उनकी बेटी है बड़ी वाली, तो हमारे बगल में रहती हैं। तो उन्होंने गुरुजी घर पे लेके आई हैं वो, तो गुरुजी को उन्होंने घर पे विराजा है। देखो उनका वेलकम किया है, क्योंकि पहली बार वो गुरुजी को लेके आई हैं, तो उनका वेलकम किया उन्होंने बहुत अच्छे से। हम सभी ने उनका इतना अच्छे से स्वागत किया है। और देखो उन्होंने कितनी अच्छी डेकोरेशन भी कराई है लड़की ने हमारी। देखो हमारी बेटी लगती है वो, आंटी बोलती है मुझे, बेटी लगती है, हम बेटी मानते हैं उसको। देखो उसके भैया भाभी, देखो मत्था टेक रहे हैं, जो मत्था टेक रहे हैं ना, ये उसके भैया भाभी हैं। वो सामने खड़ी है बेटी, देखो वो खुद भी खड़ी है, छोटी बहन भी बैठी है सामने। ये जा रही है जो, यही है वो लड़की। तो उसने देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन भी की है, खूब फूलों से सजाया हुआ है। उनका आसन भी देखो कितना अच्छे से सजाया है फूलों से। और सब देखो जितने भी पड़ोस के हमारी बिल्डिंग के सब आए हैं, सब मत्था टेक रहे हैं। देखो जो भी आए सब, और गुरुजी हर मनोकामना पूरी करते हैं, इनको बहुत लोग मानते हैं। तो ये बेटी है हमारी, इनकी बुआ की बेटी है, जो हाथ जोड़ रही है देखो ग्रीन सूट में, तो ये भी बहुत मानती है, बहुत इनके समाधि में भी जाती है। छतरपुर में इनका बहुत बड़ा आश्रम है, तो वहाँ इनकी समाधि बनी हुई है, तो बहुत लोग जो है जाते हैं वहाँ पर। ये देखो मैं माला लेके आई थी, मैंने अपने बेटे से माला मंगवाई थी गुरुजी के लिए। तो देखो मैं उनके उनके चरण में, चरणों में, इनके नीचे गुरुजी के जूतियाँ रखी हैं, तो मैं उनमें चरणों में माला चढ़ा रही हूँ। ये देखिए, और फूल भी लेके आए हैं, तो फूल वूल भी मैं चढ़ा रही हूँ। गुरुजी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, आप लोगों की भी गुरुजी मनोकामना पूरी करें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं गुरुजी मैं दुआ करती हूँ सबकी मनोकामना पूरी हो, उनकी हर मुराद पूरी करना, वो भी आपको खूब माने, आपकी सेवा करें, इसी तरह आपके समाधि में आए, सब दर्शन करने मत्था टेकने आए। ये देखिए, जय गुरुजी। देखिए अब हमारी छोटी बहू है जो, वो भी मत्था टेक रही है गुरुजी के आगे। गुरुजी इसकी मनोकामना पूरी करना, इसके मन की हर मनोकामना पूरी करना। देखिए वो भी हाथ जोड़ के मत्था टेक के जा रही है, अब मैं पीछे खड़ी हूँ। और सब लोग देखो, माता जी बैठी हैं, तो मैं उनके पैर छू रही हूँ। ये मेरी बेटी है, ये भी हाथ जोड़ रही है, मत्था टेक रही है गुरुजी के आगे। गुरुजी महाराज इसकी भी मनोकामना पूरी हो। देखिए मत्था टेक रही मेरी बेटी भी। गुरुजी सबकी सुनते हैं, जो इनसे मांगते हैं ना गुरुजी उसको देते हैं, कभी भी निराश नहीं करते। ये देखिए हमारी भांजी लगती है, ये सबके तिलक लगा रही है, चंदन का तिलक होता है, ये सबके माथे पर लगाते हैं ये तिलक। और उसके बाद फिर सब भोग वगैरह करते हैं, लगाते हैं, चाय का भोग होता है। तो उसके बाद आरती हो रही है। देखो अब ये हमारे बहू बेटे लगते हैं, जो बेटी जो करवा रही है उसी के भाई भाभी हैं, आरती कर रहे हैं गुरुजी की। अब आरती हो रही है,
ये देखिए आरती होने के बाद फिर भोग वगैरह होता है, फिर उसके बाद जो है खाना वाना जो भी होता है वो सब खाते हैं। तो सब देखो आरती कर रहे हैं, ये बेटी और दामाद है, हमारे दामाद लगते हैं, ये है जो जिन्होंने गुरुजी रखे हैं घर पे, अब वो दोनों आरती कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था बैठ के भी वहाँ पर। सबको बख्श देना गुरु जी, आप तो बख्शनहार हो गुरु जी, कृपा करना इन पे, इनकी जोड़ी पार उतारो गुरु जी, सारी संगत की जोड़ी पार उतारो गुरु जी, सबका शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना गुरु जी। ऊपर से लगा कर आए, तीन बारी मैंने नीचे लगाया, तीन महीने का दर्द तीन बारी में ठीक हो गया। आज अंगूठा मेरा बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मेरा कोई टच नहीं कर सकता था, इतनी दर्दें होती थी, इतना मुझे विश्वास हो गया। कई चीजें हम मिली हैं, अभी धीरे धीरे जुड़े हैं तो सब कुछ मिलेगा, ये ऐसी बात नहीं है। विश्वास रखो इन गुरु पे, सब कुछ मिलता है इनके घर पे, हाँ बहुत कुछ मिलता है।